हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज क्या दिन था मार्केट में। निफ्टी ने, मतलब आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव बीन ट्रैप्ड। अगर कोई स्कैल्पर नहीं था तो आई एम श्योर दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन भी हुआ था। बार बार प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया हुआ था। किस तरह से मैं बोल रही हूँ, आप देखिए। सबसे पहले जैसे ही निफ्टी ने अपने इस लो को ब्रेक करा था, पास्ट बैरियर को टच करा था, रीटेस्ट करके वहां से गिरी थी निफ्टी, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी इसमें पुट बाय करने की। उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी यहाँ पे, जब ये डबल बॉटम ब्रेक हुआ था। ये जो डबल बॉटम बना था, जैसे ही निफ्टी ने ये ब्रेक करा था 5 मिनट में, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने कॉल के ट्रेड को ट्रेड करने की। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट, बाय आई डोंट ट्रेड इन निफ्टी ऑन द एक्सपायरी डे, सो दिस इज वॉट आई हैव डन। बट बाई लुकिंग एट द प्राइस आई कैन टेल यू कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो एनी वे, जो ये बायर्स आए ना नीचे से डबल बॉटम बना के, एंड लुक एट द वॉल्यूम्स दैट हैव कम, लुक एट द वॉल्यूम्स एट द बॉटम, मतलब शोज द स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स, बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो बिकॉज निफ्टी इज पॉजिटिव, जस्ट विल हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी एज वेल एंड सी। सो बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया रिवर्सल आया है, बिकॉज जो बैंक निफ्टी इतनी नेगेटिव लग रही थी मॉर्निंग में, उसमें भी एक अच्छा खासा रिवर्सल आया। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर्सल बाय मेकिंग मल्टीपल बॉटम्स एट द सेम प्लेस। हैव अ लुक एट इट, ये जो जगह है यहाँ पे मल्टीपल बॉटम्स बनाए हैं बैंक निफ्टी ने और वहां से एक रिवर्सल लिया है, राइट। तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो भी बहुत अच्छा रहा, पास्ट बैरियर के ऊपर इसने अपने क्लोजिंग दी है। तो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी लुक्स प्रॉमिसिंग। ये जो जगह जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, लगातार एक्टिव हो रहे थे, उस जगह के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है बैंक निफ्टी ने, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेट्स सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स टुमारो। अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहेंगे। बिफोर आई गो ऑन टू देयर, हैव यू ट्रेडेड टुडे इन एबीबी? आई गेव इट ऑन द चैनल, डिड यू ट्रेड इन एबीबी? और अभी कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था और बोला था इस सीमेंस के बारे में, आपको बोला था मैंने M&M के बारे में बोला था बाइंग के लिए। हैव अ लुक एट द ब्यूटिफुल ब्लास्ट, होप यू रिमेम्बर L&T। आई टोल्ड यू दिस इज बॉटम आउट, दिस इज बॉटम आउट। हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ढूंढी थी? 3,250 पे। वहां से इसने 200 से ऊपर का मूव दे दिया है। अब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 ऐसे स्टॉक्स जो मुझे FNO सेगमेंट के, और मुझे लगता है चलने के लिए तैयार है। सो किस बेसिस पे ये मैंने ढूंढे हैं स्टॉक्स? तो बेसिस सिंपल है कि मैंने इनमें केवल देखा है ओपन इंटरेस्ट, डिलीवरी परसेंटेज एंड किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उसको टेक्निकल चार्ट के साथ कंबाइन किया है। तो सबसे पहले जो मेरे रडार पे है वो रहेगा बजाज ऑटो। मैं बहुत बार इसके बारे में बोल चुकी हूँ, लोग बार बोस्ट कर रहे हैं कि ये आज गिर गया, बट दैट्स फाइन, यू नो, क्योंकि मार्केट सुबह गिर रहा था तो ये स्टॉक भी गिर रहा था। बट आज जो इसने प्राइस रिजेक्शन किया है, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द स्टॉक इज रेडी फॉर अ अप मूव। द स्टॉक इज रियली रेडी फॉर एन अप मूव। और 9130 के ऊपर हमको याद रखिए, माई लेवल फॉर बजाज ऑटो 9130, इसके ऊपर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती दिखाई देगी। 200 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है, और अगर 9350 क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें 9400, 500, 600, 700, 800, 900, 10,000 के टारगेट आते दिखाई देंगे जून के महीने में, राइट। ये याद रखिएगा। ये मेरा पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक है एलकेम। एलकेम मैं ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ, इसमें कल से बहुत शार्प डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ये इसने जब पास बैरियर को ब्रेक किया है, आज भी इसमें अच्छा खासा ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स का मूव आता हुआ दिखाई दिया है। उसके अलावा भी ये स्टॉक मुझे लगता है कि अभी ये डिस्टेंस कवर करने जाएगा ऑफ अनदर 100 पॉइंट्स, और अगर वो भी क्रॉस हो जाते हैं तो ये एक और 100 पॉइंट्स का मूव आपको दे सकता है। बाय करेंगे इसको 5,325 के ऊपर, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 5,200 का। 115 पॉइंट्स का टारगेट का स्टॉप लॉस रहेगा, 115 पॉइंट्स का पहला टारगेट रहेगा, और फिर 200 पॉइंट्स का टारगेट आपका रहेगा। तीसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। यू नो, डिक्सन में आज इतनी बाइंग आई है बट ब्रेकआउट नहीं आया। लुक एट, ब्रेकआउट हैजंट कम। सो दिस इज हाउ डिक्सन लुक्स। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ फिगर फॉर यू हियर सो दैट यू कैन ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस इज हाउ इट इज। सो मेरे हिसाब से इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक्चुअली यहाँ पे आएगी 8450 के ऊपर। बट अगर कोई थोड़ा एडवेंचरस बंदा भी है तो
8340 के ऊपर बाय कर सकता है फॉर 100 पॉइंट्स, बट अगर 8450 क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें 8600, 8650 के टारगेट आते दिखाई देंगे। अगर वो क्रॉस हो जाते हैं तो आपको 9000 का टारगेट श्योर शॉट आता हुआ दिखाई देगा और 9200 भी आता हुआ दिखाई देगा। सो ये मेरा तीसरा स्टॉक था। उसके बाद जो एक स्टॉक मैं आपको ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और अगर आप ये इफ यू आर वंडरिंग वेयर द टेलीग्राम चैनल लिंक इज, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, मेरे टीम के नंबर्स मिलेंगे। वी डोंट डू एनी अकाउंट हैंडलिंग, वी डोंट प्रोवाइड निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शंस, वी डोंट टेक योर अकाउंट एंड ट्रेड आवरसेल्फ, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो प्लीज बी केयरफुल, इफ somebody इज प्रॉमिसिंग दैट ही विल डू क्रिप्टो ट्रेडिंग और हैंडल योर अकाउंट और मल्टीप्लाई योर मनी, प्लीज स्टे अवे। दिस इज इन्फी, राइट? इन्फी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग अबव 1446। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1414 का और टारगेट्स आपके रहेंगे 1500, 1530 एंड 1560 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो इन्फी आपका नेक्स्ट स्टॉक है। और लास्ट में मैं जिस स्टॉक की बात करूंगी, BEL। अगर आपने आज देखा होगा तो HAL में क्या मैसिव ब्रेकआउट आया है, ओवरऑल रियलिटी में बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है, तो इसमें बिल्डअप्स बहुत स्ट्रांग हुए, ब्रेकआउट नहीं आ पाया, राइट? ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी रहेगी इसमें 242 के ऊपर, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 230 के आसपास का और टारगेट आपको इसमें आते हुए मिलेंगे 250, 255, 260 एंड सो फोर्थ। ये टारगेट आपको इसमें BEL में आते हुए दिखाई देंगे। सो कीप देम ऑन रडार एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग अलॉन्ग विद स्टॉक प्रो। अगर आप कहीं पे भी पैसा बनाते हैं तो प्लीज लिखिए। जितने लोग भी परेशान थे, दुखी थे कि ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, आज वो सब चल गए और आने वाले 2-3 दिनों में आपके सारे स्टॉक्स जो मैंने आपको दिए हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। बट थोड़ा पेशेंस रखना सीखो, थोड़ा सा अपना मनी मैनेजमेंट सीखो। अगर वो नहीं सीखोगे तो इसी तरह का पेन रहेगा एंड यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट। With this, I'll be signing off. Stay tuned for more such updates and do join me for live trading every single day from 10 to 11. And isi video ke link mein aapko, ke description mein aapko live trading ka link milega. Bye bye. Take care and see you in the live market tomorrow.